हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो हमारा और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थिंगस्पीक को डेटा सेंड कर चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लिंक सर्वर को कैसे डेटा सेंड करेंगे। पहले जो ब्लिंक सर्वर था बहुत इजी था, डायरेक्ट उसका ऑथेंटिकेशन की डाल दो और प्रोग्राम करो, हो जाएगा। लेकिन आज का वीडियो में जो ब्लिंक का नया वर्सन आया है, ब्लिंक 2.0, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ब्लिंक के लिए। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर में और अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप जाके ब्लिंक सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फास्ट लिंक, ब्लिंक आईओटी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जाना है, स्टार्ट फॉर फ्री। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आई थिंक आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ्री करना चाहूँगा। फ्री में कुछ लिमिटेशन रहता है, ठीक है। तो ओके, ये इसमें मेरा अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट फॉर फ्री, आई थिंक मेरा अकाउंट नहीं है यहाँ पे, बोल रहा है कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए मैं अकाउंट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कॉन्फर्म करने के लिए। आप मेल चले जाना जीमेल में, आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखो ब्लिंक का एक मेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम डन, सेव, स्किप कर दो, देन यहाँ पे कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा बिलिंग एड्रेस क्या है, कितना यूज़ कर सकते हैं, क्या डिटेल्स। तो हम लोग कुछ नहीं करें, हम लोग जनरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कुछ भी नहीं है, सारा के सारे जीरो है, ठीक है। तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो डॉट 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 बटन है, टेम्पलेट्स। यहाँ पे आके आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो मैं टेम्पलेट क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे दे दिया नोड एमसीयू, क्योंकि मैं नोड एमसीयू से कंट्रोल करूँगा। तो देन यहाँ पे आने के बाद ESP8266 चूज करना है। अगर आपके पास ES32 है देन आप ES32 यूज कर सकते हो। देन मेरे कौन सा कम्युनिकेशन करूँगा, USB, इथरनेट, GSM और वाईफाई। मैं वाईफाई करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेस्ट नोड एमसीयू। तो आज क्या करेंगे, हम लोग बेसिक LED को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज आ जाएगा, इन्फो, मेटा, डेटा स्ट्रीम, इवेंट, ऑटोमेशन, वेब डैशबोर्ड, मोबाइल डैशबोर्ड, बहुत सारा चीज है। पहले हम इन्फो को समझते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट है, वाईफाई क्या है, देन ऑफलाइन इग्नोर पीरियड क्या है, वो सारे चीज दे सकते हो। मुझे ये कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम रहेगा। आपको ये इन्फो में ये दोनों चीज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लिंक टेम्पलेट आईडी और ब्लिंक का डिवाइस नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये इसको लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या है, कौन सा ओनर है, कौन सा टाइम जोन से है, पूरा डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। देन डेटा स्ट्रीम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हमको चाहिए क्या, पहले ये चाहिए इन्फो में, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। देन हमको डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना है। देन इवेंट अभी नहीं चाहिए हम लोगों को, ऑटोमेशन हमको नहीं चाहिए। डैशबोर्ड में हमको क्रिएट करना है डैशबोर्ड, ठीक है। देन मोबाइल डैशबोर्ड ये बाद में देखेंगे, एक बार ये खत्म होने के बाद, मतलब वो वेब डैशबोर्ड सेटअप होने के बाद हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, मोबाइल डैशबोर्ड में। तो चलते हैं पहले डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम में आपको एक डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग LED को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर न्यू डेटा स्ट्रीम में क्लिक करोगे देन बहुत सारा पिन आ जाएगा, देखो डिजिटल, एनालॉग, वर्चुअल पिन, नेमोरेबल और लोकेशन। लोकेशन हमको अभी नहीं चाहिए, तो एनेबल और ये भी नहीं चाहिए हमको, ओनली चाहिए डिजिटल और वर्चुअल। जो लोग पहले से ब्लिंक सर्वर आप अगर यूज़ किए होंगे देन आपको अच्छे से पता होगा वर्चुअल पिन क्या है। अगर आपको नहीं पता है देन डोंट वरी, आगे आगे वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग अच्छे से वर्चुअल पिन में कैसे प्रोग्राम करते हैं वो भी देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं ओनली डिजिटल पिन। तो डिजिटल पिन, ये डिजिटल जीरो दे दिया,
ठीक है, पिन मेरा कौन सा है, डिजिटल पिन मेरा कौन सा है, अगर मैं नोड एमसीयू जाऊंगा नोड एमसीयू इमेजेस क्लिक करूंगा, यहां पे जितने भी सारे देख रहे हो ना, D0 D1 D2 D3 टिल D8, देन इस तरफ A0 है, 2 है, 3, बहुत सारे चीज है, तो ये सारा का सारा डिजिटल और एनालॉग पिन है। मुझे डिजिटल चाहिए, सपोज मैं D0 को ऑन ऑफ करूंगा, देन आपको यहाँ पे 0 चूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे D1 को ऑन ऑफ करोगे देन यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन आर्डिनो में अगर आप करोगे, कैसे हो रहा था, D0 को हम लोग 16 लिखते थे, तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल हमारा जो भी पिन है उसी अकॉर्डिंगली हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एडवांस सेटिंग में बहुत सारा चीज होगा, आपको ये नहीं चाहिए, अगर सर्विस चार्ट दिखाना है वगैरह नहीं चाहिए हम लोगों को, क्रिएट कर दिए। अभी मेरा डेटा स्ट्रीम में क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एलईडी को ऑन ऑफ करूंगा देन ये डेटा मुझे नोड एमसीयू को सेंड करेगा, लेकिन कैसे सेंड करें हम लोगों को वो देखेंगे। देन हम चलते हैं इवेंट। इवेंट में हम लोग कुछ नहीं चाहिए, ऑटोमेशन भी कुछ नहीं करना है, वेब डैशबोर्ड। यहाँ पे हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे जो है स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर है, नंबर इनपुट है, इमेज है, वेब पेज है, एलईडी है, लेबल है, गॉज है, ये सारा के सारा एक के बाद एक हम लोग यूज करेंगे आगे आगे वीडियो में। हम लोग आज का वीडियो के लिए हमको क्या चाहिए, स्विच। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे सेटिंग गया, यहाँ पे क्या कर दिया, एलईडी कर दिया, एलईडी को ऑन ऑफ करना है। डेटा स्ट्रीम में हमारा क्या है, D0, उसको चूज कर दिया। ऑन वैल्यू के लिए 1, ऑफ वैल्यू के लिए क्या, 0। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, तो अभी सेव कर लिया। अगर मैं यहाँ पे ऑन करूंगा तो ऑन होगा, ऑफ करूंगा तो ऑफ होगा, उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो ये सेव हो गया, ऑन ऑफ, ठीक है, बटन एक काम कर रहा है। देन हम लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे सर्च बार है ना, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग न्यू डिवाइस ऐड करेंगे। टेम्पलेट से चूज करोगे, नहीं तो आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो। मैं टेम्पलेट से चूज किया, नो टेम्पलेट मेरा क्या था, नोड एमसीयू सिलेक्ट कर लिया, डिवाइस नेम नोड एमसीयू दे दिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पूरा आ गया, और ये मेरा जो यहाँ पे हम लोग जैसे इन्फो में दिख रहे थे, सेम चीज यहाँ पे भी मेरा है, तो ये चीज हमको चाहिए होगा। ठीक है, मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। अभी चलते हैं हमारा आर्डिनो के प्रोग्राम के ऊपर। आर्डिनो आओगे, अब गूगल में जाके आप ब्लिंक लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो सर्च कर देना, देन आपको लिंक मिल जाएगा गिटहब का, यहाँ से डाउनलोड कर देना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम लोग जाएंगे स्केच, स्केच से इंक्लूड लाइब्रेरी, देन आर्ट जिप लाइब्रेरी, देन यहाँ पे जाके आप वो लिंक को इंस्टॉल कर दो। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मुझे करना नहीं पड़ेगा, आप लोग कर सकते हो इजीली, कुछ इशू नहीं आएगा। देन चलते हैं फाइल्स, ठीक है, फाइल, देन एग्जाम्पल, देन हम नीचे चलते हैं ब्लिंक, देन यहाँ पे देखो ब्लिंक एडजेंट है, बोर्ड्स है, जैसे एडजेंट से आप लोग प्रोग्राम कर सकते हो ESP266 का। हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड्स वाईफाई और नोड एमसीयू, हम लोग नोड एमसीयू यूज कर रहे हैं तो नोड एमसीयू जाएंगे। नीचे जाओ, यहाँ पे आपका टेम्पलेट आईडी देना है, और यहाँ पे आपका टोकन कोड देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ, सो आपको इजी होगा समझने के लिए। मैं यहाँ जो क्लिपबोर्ड से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर लिया, टेम्पलेट आईडी, ब्लिंक डिवाइस नेम और ऑथेंटिकेशन कोड डिफाइन कर दिया। ठीक है, देन यहाँ से रिमूव, इसको रिमूव कर लिया, और ये ऑथेंटिकेशन कोड की जगह मैं क्या लिखूंगा, मेरा ऑथ टोकन जो मैं डिफाइन किया हूँ। ठीक है, ये काट देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा वाईफाई का नेम, और यहाँ पे दे दूंगा उसका पासवर्ड, ठीक है, देन ये नहीं चाहिए ये मैं काट देता हूँ, और ये नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ही मेरा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप देख सकते हो 10 लाइन में कंप्लीट हो गया।
पहले हम लोगों को क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, टेम्पलेट आईडी, देन डिवाइस नेम, देन ऑथ टोकन, देन वाईफाई को इंक्लूड किया, ब्लिंक को इंक्लूड किया, देन यहाँ पे टोकन को पास कर दिया मेरा ऑथ आरए में, देन यहाँ पे ब्लिंक बिगिन किया और ब्लिंक को बैकग्राउंड में रन कराया, तो जो एलईडी को ऑन ऑफ करेगा वो बैकग्राउंड से उसका डेटा जाएगा, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इसको सेव कर देता हूँ, ब्लिंक एलईडी, ठीक है सेव हो गया। अभी चलते हैं टूल्स, टूल्स में जाएंगे, बोर्ड चूज करेंगे, तो हमारा बोर्ड क्या है, आर्डिनो नोड एमसीयू, तो यहाँ पे जाने के बाद नोड एमसीयू, ठीक है देन टूल्स, यहाँ पे मेरा कॉम पोर्ट सिलेक्टेड है, ठीक है टूल्स जाने के यहाँ पे सिलेक्टेड है। अभी मैं प्रोग्राम को अपलोड करूँगा, मैं ओनली मेरा नोड एमसीयू को यूएसबी में कनेक्ट किया और कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कंपाइल हो रहा है, इन मीन टाइम यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है ये मेरा मोबाइल फोन है, यहाँ पे जाके सॉरी ऐप स्टोर में जाके ठीक ब्लिंक सर्च करना है, ठीक है ये मेरा ब्लिंक आईओटी का सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहले चलते हैं मेन स्क्रीन में, अपलोड हो गया, चलते हैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर, यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो गया और ये ऐसे रेडी पिंग आ गया, मतलब आपका ब्लिंक के साथ कनेक्ट भी हो गया। अगर आप ऑथेंटिकेशन एरर दे दोगे देन ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरा ये हो गया, चलते हैं कैमरे में, यहाँ पे देखो साइन अप है, लॉग इन है, हमको लॉग इन करना है, यहाँ पे मेल आईडी डालना है, मेल आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ठीक है। जब लॉगिन कर दोगे ना आपके पास ऐसे आ जाएगा, देखो मैं डिवाइस वहाँ पे क्रिएट कर लिया था, तो यहाँ पे देखो डिवाइस आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे अभी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो कुछ भी नहीं है, देन यहाँ पे जाओगे तो आपको आ जाएगा डेवलपर मोड के लिए, आ जाएगा यहाँ पे देखो एक सेटिंग बटन टाइप का है, क्लिक करने के बाद बटन, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, टाइटल दे देते हैं एलईडी, डेटा स्ट्रीम में हमारा क्या है, D0 हम सेट किए थे, देखो D0 आ गया, तो इसको क्लिक करना है, देन बैक, देन अगेन बैक, अभी देख सकते हो एलईडी हो गया मेरा, ठीक है।
ऑन ऑफ काम करेगा। लेकिन उससे पहले और एक चीज करना है, ये जो बटन है, पुश बटन है या स्विच है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है आपका पुश बटन और स्विच के लिए। मैं आज स्विच यूज करूंगा, तो स्विच को स्विच सिलेक्ट कर लिया, देन बैक। ठीक है, अभी देखो ऑन किया तो ऑन हुआ, ऑफ किया तो ऑफ होगा। ठीक है, देन अभी चलते हैं हमारा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हो, बहुत इजी है। तो चल, नेक्स्ट, इन दिस वीडियो वील सेंड सम रैंडम डेटा टू आवर ब्लिंक सर्वर। मतलब हम लोग अगर चाहेंगे तो चार्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफ यूज कर सकते हैं, नहीं तो गॉज भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल ही सेंड करेंगे रैंडम डेटा को। तो चलते हैं हमारा स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो ये हम लोग लास्ट टाइम किए थे, एक एलईडी था उसको हम लोग ऑन ऑफ करते थे। अभी चलते हैं डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम में हम लोगों को और एक डेटा स्ट्रीम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट जाना पड़ेगा, एडिट जाने के बाद ऐड डेटा स्ट्रीम, देन हम लोगों को वर्चुअल पिन जाएंगे। एनालॉग यूज कर सकते हो, मैं वर्चुअल को ज्यादा प्रिफर करूंगा। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में सेंड करूंगा, तो इंटीजर वी जीरो रह गया, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू में 100 दे देता हूँ। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, अभी चलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में मैं अभी क्या यूज करूंगा, लेबल, मतलब जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वो नॉर्मल डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है सेटिंग में, यहाँ पे सेट कर दो रैंडम वैल्यू। डाटा स्ट्रीम चूज करोगे तो हमारा भी जीरो है, चूज कर लिया, सेव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेव एंड अप्लाई कर दोगे, अभी कुछ रैंडम डेटा आ रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जाना है, देन नोड एमसीयू, यहाँ पे देख सकते हो रैंडम वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अगर आप सेम मोबाइल पे जाओगे भी रैंडम डेटा मेरा क्रिएट हो गया होगा और 0 दिखा रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा मोबाइल है, क्लिक किया, देन यहाँ पे जाओगे, देन थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले एलईडी डिस्प्ले वैल्यू डिस्प्ले लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक, देन यहाँ पे लिख लो रैंडम डेटा स्ट्रीम बी जीरो। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे अभी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा सेम डेटा वहां पे भी आएगा। तो चलते हैं हमारा प्रोग्राम के ऊपर, तो प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, तो आर्डिनो, लास्ट टाइम ये वाला हम लोग प्रोग्राम किए थे। ठीक है, डिवाइस को कनेक्ट ओनली किए थे। अभी क्या करेंगे, एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। तो एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वर्चुअल का दो कंडीशन है, वर्चुअल राइट वर्चुअल रीड। तो अगर गूगल में जाओगे, तो यहाँ पे देखो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो अगर आप वैल्यू सेंड करते हो तो यहाँ पे ब्लिंक वर्चुअल राइट क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी कॉपी कर लिया, प्रोग्राम में चलते हैं। तो मैं आइदर वॉइड लूप के अंदर इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसमें करके देखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये पिन जो है वो हमारा कौन सा वर्चुअल पिन है, तो हमारा क्या है वी जीरो है, तो लिख लिया। और तो यहाँ पे मैं रैंडम डेटा सेंड करूंगा, तो रैंडम के लिए क्या था, रैंडम फ्रॉम 0 से 100। ठीक है, तो 0 से 100 डेटा जाएगा मेरा। तो अभी कंपाइल कर लेते हैं, देन उसको अपलोड कर लेंगे। सेम प्रोग्राम को एक सिंगल लाइन का कोड लिखा मैंने,
कंपाइल हो गया, लेट्स अपलोड। अपलोडिंग। ठीक है, अभी सीरियल मॉनिटर चलते हैं। ओके, यहां पे देख सकते हो कनेक्टिंग टू ब्लिंक, कनेक्ट हो गया। चलते हैं हमारा डैशबोर्ड पे, अभी देख सकते हो रैंडम डेटा मेरा आ रहा है। ठीक है, वैसे चलता रहेगा क्योंकि हम लोग रैंडम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो रैंडम डेटा आ जाएगा। तो प्रोग्राम देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा देन इसको लेके आप टेम्परेचर सेंसर का डेटा या कोई भी ह्यूमिडिटी सेंसर का डेटा और कोई भी सेंसर का डेटा आप सेंड कर सकते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया देन आप कमेंट में डालो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इन दिस वीडियो वी विल यूज ब्लिंक टाइमर, मतलब हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में किए थे नॉर्मल रैंडम डेटा को सेंड करते थे और उसको हम लोग वॉइड लूप के अंदर कॉल करते थे। तो उसका डिमेरिट ये है, अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ सेंसर है और टेम्परेचर सेंसर सपोज कोई पर्टिकुलर कोई सपोज सेंसर है जो पर्टिकुलर उसका टाइम ड्यूरेशन है, तो उस केस में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइमर यूज कर लेंगे और वो टाइमर जब रीच हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो उसको हम लोग नॉर्मल यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक किए थे एलईडी और रैंडम वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे थे, अभी तक देखो डिस्प्ले आ रहा है क्योंकि मेरा नोड एमसीयू कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर जाके ब्लिंक टाइमर सर्च करोगे, ठीक है, देन वो डॉक्स ब्लिंक डॉट आईओ में जाएगा टाइमर्स। तो ये है मेरा एक क्लासेस टाइमर के अंदर, उसको मुझे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, तो मैं कोड में जाऊंगा। कोड में देखो ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं किया था लास्ट टाइम में, यहाँ आज भी ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। तो ब्लिंक टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं एक टाइमर का क्लासेस क्रिएट कर लिया और टाइमर को कहाँ पे कॉल करूंगा, मेरा वॉइड सेटअप के अंदर। एक बार कॉल हो गया ना तो वो टाइमर जब रीच होता जाएगा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन को कॉल करता जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड रैंडम, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट किया वॉइड रैंडम रैंडम डेटा, तो ये फंक्शन को मैं एवरी 1 सेकेंड में कॉल करूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, रैंडम डेटा को सेंड करूंगा B0 को, ठीक है। यहाँ पे उसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन को कैसे कॉल होता है, टाइम और सेट इंटरवल। ये तो टाइमर सेट इंटरवल, ये 100L मतलब 100 सेकेंड, 1000L मतलब 100 सेकेंड क्योंकि मिली सेकेंड में है। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे रैंडम डेटा, ठीक है। तो एवरी 1 सेकेंड में वो मेरा डेटा पास करेगा कहाँ पे, ब्लिंक सर्वर को। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी इतना ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं किए, ओनली एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं और फंक्शन को हम लोग एवरी 1 सेकेंड में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स अपलोड द कोड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड अपलोड हो गया, देन डिवाइस ट्राइंग टू कनेक्ट, देन ब्लिंक अभी कनेक्ट हो गया। अभी चलते हैं हमारा डैशबोर्ड में, तो अभी अगर देखोगे तो एवरी वन सेकेंड में डाटा चेंज होगा। अभी 93 है, ओके, तो लेट मी चेक द कोड अगेन। सीरियल डॉट प्रिंट, तो अगर आपको कुछ भी एरर आ रहा है तो उसको कैसे डिबग करोगे, सीरियल प्रिंट कर लो, प्रिंट एलएन, और उसके अंदर इसको मैं पास कर दूंगा, ठीक है, तो V0 को रैंडम। हाँ, और एक चीज, टाइमर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेट कर लिए हैं लेकिन टाइमर को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो टाइमर को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टाइमर डॉट रन, तो ये हम लोग छोड़ दिए थे इसीलिए काम नहीं कर रहा था। अभी देखो अच्छे से काम कर लेगा। लेट्स अपलोड द कोड, नोड एमसी का वही प्रॉब्लम है कि ज़्यादा टाइम लेता है वो। देखो अभी एवरी सेकंड में मेरा डेटा आएगा आ रहा है, तो उतना ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं। अगर आप और एक बार कोड को समझना चाहोगे मैं समझा देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल क्या क्या, डिवाइस नेम, टेम्पलेट आईडी और ऑथेंटिकेशन कोड का ऐड किया, ये मेरा वाईफाई का ऑथेंटिकेशन है दे दिया, देन यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट किया, टाइमर ये एक फंक्शन बनाया जो एवरी वन सेकंड में कॉल होगा, ठीक है, देन टाइमर को रन किया, ये जो टाइमर को इंटरवल को सेट किया था यहाँ पे रन कर लिया, और ब्लिंक को नॉर्मल रन कर लिया, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ कोड में चेंजेस नहीं है, तो ये है नॉर्मल। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा देन आप कोई भी सेंसर का डेटा भी सेंड कर सकते हो। अगर नहीं आया है देन आप मुझे कमेंट में बताओ, सो मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा, सेम प्रोग्राम वी आर गोइंग टू रन, एंड वी विल डिस्प्ले द वैल्यू इन ए गॉज फॉर्मेट। मतलब अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे तो हम लोग जो सर लास्ट टाइम किए थे एक नॉर्मल डिस्प्ले था, डिस्प्ले में मेरा रैंडम वैल्यू शो करता था, लेकिन आज का वीडियो में क्या करेंगे, मैं एक गॉज ले लूंगा जो अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर घटेगा तो वो मतलब ग्राफिकली शो करेगा, सो दैट आपका प्रोजेक्ट में थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को शो करने के लिए, नहीं तो अगर पर्टिकुलर कोई सेंसर है जिसका परसेंटेज शो करना चाहोगे देन वो उसको यूज कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड एमसीयू में जाएंगे, वेब डैशबोर्ड में जाएंगे, ये जो है इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे एडिट करके, देन इसको डिलीट कर लो, ठीक है। देन हम लोग अगर नीचे जाओगे, नीचे में यहाँ पे देखो गॉज लिखा हुआ है, ठीक है, तो गॉज को लाओ यहाँ पे ऐसे ऐड कर लो, ठीक है। सेटिंग में जाना है, देन यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा रैंडम डेटा, डेटा स्ट्रीम V0 से सिलेक्ट कर लिया और अभी क्लिक कर लिया, ठीक है। अभी सेव एंड अप्लाई कर लूँगा। अगर आप जाओगे यहाँ पे देन नोड MCU, देन अभी देख सकते हो वैल्यू आ रहा है, जितना भी रैंडम वैल्यू हो जो भी होगा ये आ रहा है, लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाना है कलर, हम लोग क्या करेंगे ये दे देंगे सेव,
है, सेव एंड अप्लाई, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस मेरा ऑनलाइन है क्योंकि जो डिवाइस में अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया, तो इसीलिए अभी देखो रैंडम डेटा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अगर आप प्रोग्राम के बाद देखोगे तो प्रोग्राम सेम प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस भी नहीं किए मैं कुछ चेंजेस भी नहीं किया, सेम प्रोग्राम। अगर पिछले प्रोग्राम के साथ आप कंपेयर करोगे सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे रैंडम डेटा के अंदर V0 में मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइमर को कॉल कर रहा हूँ, इंटरवल सेट कर लिया लाइक 1 सेकेंड का, देन यहाँ पे टाइमर डॉट रन कर लिया, ठीक है। तो ये है सेम सेम प्रोग्राम, और सेम प्रोग्राम को यूज करके हम लोग ग्राफ में भी डेटा शो कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, सेम इसको हम लोग पहले रिमूव कर देते हैं गॉज को, डैशबोर्ड जाना है, देन यहाँ पे एडिट, इसको डिलीट कर लिया। अभी चलता हूँ मैं चार्ट, ठीक है। यहाँ पे जाना है सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद रैंडम चार्ट और डेटा स्ट्रीम V0 ये एनेबल कर लिया। अभी मैं सेव कर लूँगा, ठीक है, देन सेव एंड अप्लाई। देन यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे नोड MCU, यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू मेरा चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू माय टाइम, ठीक है। ठीक है, तो ये है आप लोग कैसे चार्ट के थ्रू भी डेटा शो कर सकते हो, 6 आवर्स, देन आपका 1 डे, वीकली, मंथली, 3 मंथ, कस्टम, ऐसे सब कुछ भी आपका दिया गया है, तो आपके हिसाब से आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो ये था बेसिक, हम लोग कैसे डेटा सेंड करेंगे टू आवर ब्लिंक सर्वर। देन हम लोग देखेंगे V0 से डेटा कैसे हम लोग लेके LED को ऑन ऑफ करेंगे या कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा देन आप उसको लेके एक प्रोजेक्ट सोचो। अगर वो प्रोजेक्ट के में कुछ भी दिक्कत है देन मुझे कमेंट में बताओ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंट्रोल LED थ्रू वर्चुअल पिन। जो हमारा लाटेस्ट ब्लिंक का वर्सन है वो बेसिकली डिजिटल और एनालॉग पिन को सपोर्ट नहीं करता है, अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए आप लोग वर्चुअल पिन के थ्रू LED को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जाके एक वर्चुअल पिन डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसका एक स्टैंड अलोन फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल करना पड़ेगा। अगर आप ब्राउजर में जाओगे, गूगल में सर्च करोगे वर्चुअल पिन्स ब्लिंक, देन ये आपका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये फंक्शन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ब्लिंक वर्चुअल राइट। ब्लिंक वर्चुअल राइट मतलब नोड MCU राइट करेगा टू द सर्वर, ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर स्टैंड अलोन फंक्शन है, ये एक स्टैंड अलोन फंक्शन है, ब्लिंक अंडरस्कोर राइट बी पिन, मतलब नोड MCU राइट, सॉरी ब्लिंक राइट करेगा हमारा नोड MCU को, तो हम लोग ये फंक्शन को आज यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले जाऊंगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में नोड MCU जाऊंगा, देन यहां पे वेब डैशबोर्ड, देन ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एडिट, एडिट जाने के बाद इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। देन चलता हूँ डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम में ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। डिलीट हो गया। अभी यहां पे मैं एक डेटा स्ट्रीम क्रिएट करूंगा, न्यू स्ट्रीम वर्चुअल पिन, V1 को मैं दे दिया मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है। अभी क्रिएट कर लिया, ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं वेब डैशबोर्ड, यहां पे मैं एक स्विच क्रिएट करूंगा, स्विच जाऊंगा सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे दे दिया एलईडी, चूज डेटा स्ट्रीम, मैं वी वन को चूज कर रहा हूँ, ऑन वैल्यू वन और वैल्यू जीरो सेट कर दिया। देन यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, सेव, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेव एंड अप्लाई करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा नोड एमसीयू, यहाँ पे ऑन ऑफ करूँगा तो मेरा ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ कर रहा है, वर्चुअल पिन को ऑन ऑफ कर रहा है, हम लोग उसको कॉल करेंगे हमारा नोड एमसीयू में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोग्राम जाओ, प्रोग्राम जाने के बाद सेम प्रोग्राम जो था सेम प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एंटर करके वो फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा। तो कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंक, इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसको मैं काट देता हूँ, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्लिंक राइट मतलब जो हमारा नोड एमसीयू रीड करेगा तो ब्लिंक राइट करेगा उसको, तो कौन सा पिन को राइट करेगा, वी वन को। तो यहाँ पे मैं वी वन लिख लिया, तो वैल्यू इज इक्वल टू फारम आज इंटीजर, ठीक है, आज इंटीजर वो सेंड करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डिजिटल राइट डी जीरो पिन नंबर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पे जीरो पास होगा, अगर वन रहेगा देन यहाँ पे वन पास होगा। और नीचे जाके यहाँ पे वॉइड सेटअप में पिन मोड डी जीरो कॉमा आउटपुट डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हम लोग, ब्लिंक राइट, यहाँ पे एक वैल्यू को लिया और वैल्यू का डी जीरो वैल्यू डिफाइन कर लिया और यहाँ पे आउटपुट सेट कर लिया। अभी ये प्रोग्राम को अपलोड करूँगा, ठीक है, अपलोड हो रहा है। जाऊंगा सीरियल मॉनिटर, कनेक्टेड, देन चलते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। तो एलईडी बेसिकली जो हमारा नोड एमसीयू है, ये मेरा नोड एमसीयू है, नोड एमसीयू का ये जो एलईडी है वो वन सेंड करने पे ऑफ होता है और जीरो सेंड करने पे ऑन होता है, इसलिए मेरा अभी जीरो सेंड हो रहा है और यहाँ पे एलईडी क्या है, ऑन है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एलईडी क्या हो गया, ऑफ हो गया। अगर मैं ऑन ऑफ करूंगा तो एलईडी ऑन हो गया, ठीक है। तो वेब डैशबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो सेम चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो और मोबाइल का थ्रू भी डेटा ऑन ऑफ हो सकता है, कुछ भी ज़्यादा प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये है बेसिक, हम लोग कैसे ब्लिंक से नोड एमसीयू को कैसे डेटा सेंड करेंगे और उसके थ्रू कैसे एलईडी और लाइट फैन जो भी अगर रिले कनेक्ट कर सकते हो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, तो उसको लेके जितने में हम लोग सीख गए, जैसे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर इंटरफेस करके हम लोग उसका डेटा सेंड कर सकते हैं ब्लिंक सर्वर को, और सपोज मैं तीन चार रिले लगा लिया और रिले के थ्रू लाइट फैन बल्ब जो भी है लगा लिया और वहाँ पे चार बटन ऐसे क्रिएट किया और बटन के थ्रू हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसको लेके आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे थ्रू ब्लिंक, और मैं आपको एक टास्क दिया था जो थिंगस्पीक हम लोग पढ़े थे, जैसे कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पड़े थे उसको लेके एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए चार फैन, चार लाइट, तीन लाइट और एक फैन था और DH11 था, आई थिंक वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सेंड DH11 सेंसर डेटा टू ब्लिंक। हम लोग जो पिछले वीडियो में कर रहे थे, जैसे
रैंडम डेटा सेंड कर रहे थे ब्लिंक सर्वर को, देन एलईडी को ऑन ऑफ करते थे ब्लिंक सर्वर के थ्रू। तो आज हम क्या करेंगे, एक सेंसर को इंटरफेस करेंगे और सेंसर का डेटा को सेंड करेंगे ब्लिंक सर्वर को, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग DHT11 का प्रोग्राम कर चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो जाके देख सकते हो, तो वहां से सेम प्रोग्राम हम लोग कॉपी करके यूज करेंगे। अगर ब्लिंक का भी वीडियो आप नहीं देखे हो, हाउ टू कैन सेंड रैंडम डेटा टू ब्लिंक सर्वर, वो भी जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हमारा ब्राउजर के ऊपर और ब्लिंक को सेटअप करेंगे। यहाँ पे मैं जाऊंगा ब्लिंक डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट में मैं न्यू टेम्पलेट बना सकता हूँ, नहीं तो पुराना जो टेम्पलेट था उसको भी बना सकता हूँ। मैं मेरा टेस्ट कॉपी जो टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे थे उसको यूज करूंगा, तो टेस्ट कॉपी जाऊंगा। यहाँ पे देखो डाटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम में यहाँ पे देखो एलईडी एक यूज किया था, ठीक है। अभी मैं और एक डेटा स्ट्रीम ऐड करूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एडिट करना पड़ेगा, देन न्यू डाटा स्ट्रीम वर्चुअल पिन, ठीक है। तो V1 दे दिया और मैक्सिमम वैल्यू में दे दिया 100, क्योंकि मेरा टेम्परेचर जो होगा वो अप टू 50-60 तक आएगा, क्योंकि अगर मैं लाइटर यूज करूंगा तो 100 दे रहा हूँ, ठीक है। और एक डेटा स्ट्रीम ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा जाएगा ह्यूमिडिटी के लिए, इसका भी वैल्यू 100 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेव एंड अप्लाई कर लिया। अभी जाऊंगा वेब डैशबोर्ड, वेब डैशबोर्ड में ये जो एलईडी का था उसको आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं यूज करना चाहोगे तो वो भी ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो गॉज में यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो गॉज यूज कर सकते हो, नहीं तो और कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं गॉज यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो गॉज में लिखूंगा मैं टेम्परेचर, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। कलर में सेट कर दूंगा कुछ भी, सेव, देन यहाँ पे गॉज दे दूंगा, ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे सेट कर दूंगा V2, सेव। अगर आप चाहोगे यहाँ पे ग्राफ भी यूज कर सकते हो चार्ट, नहीं तो ये लेबल भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं चार्ट यूज करूंगा, आई थिंक चार्ट अभी नहीं आएगा क्योंकि डेटा स्ट्रीम हम दोनों यूज कर रहे हैं। डेटा स्ट्रीम V1 को सपोज यूज करूंगा टेम्परेचर, ठीक है। अभी सेव कर लिया, तो सेव एंड अप्लाई कर लूंगा। अभी जाऊंगा मैं यहाँ पे, देन मेरा दो डिवाइस है, मैं ये वाला डिवाइस को यूज करूंगा, ठीक है। अभी कुछ भी डेटा नहीं है, देखो जीरो है। अभी चलते हैं आर्डिनो के प्रोग्राम के ऊपर, ये हम लोग आर्डिनो प्रोग्राम लास्ट वीडियो में जो किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं टेम्पलेट आईडी, डिवाइस आईडी और टोकन आईडी सेट करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा डिवाइस इन्फो, डिवाइस इन्फो से मुझे मिल जाएगा, कॉपी हो गया। यहाँ पे जाके ये तीनों को सिलेक्ट करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं, मेरा सेट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंड करूंगा टू V1 एंड V2। उसके लिए और एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, void DHT डाटा, उसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखूंगा और इसको मैं एवरी 1 सेकेंड में कॉल करूंगा टू टाइमर, ठीक है। और ये बाकी जितने भी सारे प्रोग्राम था सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली डीएसटी डाटा को हम लोग यूज करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे हमारा जो डीएसटी सेंसर था उसके यूज करेंगे, तो डीएसटी नोड एमसीयू वाला प्रोग्राम हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया, देन यहां से यहां तक तो कॉपी कर लूंगा। अब जाके ये प्रोग्राम रेफरेंस में देख सकते हो, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउ वी कैन इंटरफेस DHT11 टू आवर सर्वर। तो DHT बिगिन कर लिया, अभी क्या करूंगा यहां से कॉपी कर लूंगा यहां तक और यहां पे पेस्ट कर लूंगा।
सारे के सारे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है अगर ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो एवरी वन सेकेंड में क्या होगा, मेरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रिंट करेगा। तो पहले अपलोड कर लेता हूं, अपलोड करने से पहले आप एक बार कनेक्शन देख लो। तो ये मेरा नोड एमसीयू है, नोड एमसीयू DS11, उसका 3 पिन है BCC डाटा ग्राउंड, तो कनेक्ट कर लिया 3 बोर्ड यहाँ पे ग्राउंड और D4 में, सॉरी D2 में, क्योंकि D2 मेरा पिन नंबर 4 है, ठीक है। तो अभी अपलोड करते हैं टूल्स, देन पोर्ट सिलेक्टेड है। अभी क्या कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सेंड करेंगे टू आवर ब्लिंक सर्वर। यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम अपलोड हो रहा है और यहाँ पे लाइट जल रहा है, मतलब DHT मेरा ऑन है। अपलोड हो गया, I'll go to serial monitor, blink ready, then अभी ब्राउजर में जाऊंगा, सॉरी अभी तो ब्राउजर का कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे देखो 25 और ह्यूमिडिटी भी शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वो सेम डेटा को मैं सेंड करूंगा और सर्वर सेंड करने के लिए क्या था, ब्लिंक वर्चुअल राइट, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या सेंड करूंगा, V1 में मैं क्या सेंड कर रहा था, टेम्परेचर, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा V1, इसको सेट कर लूंगा V2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उसको अपलोड कर लूंगा अभी, तो साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं डैशबोर्ड। हो गया, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट हो गया। अभी इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है आई थिंक, कि हम लोगों का यहाँ पे डेटा आ रहा है इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो भी देखो 25 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूंगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, देखते हैं। टेम्परेचर देखो सीरियल मॉनिटर में इंक्रीज हो रहा है, 26 हो गया और वहाँ पे भी 26 हो गया, 27, ठीक है। अभी डिक्रीज होगा धीरे धीरे, और सेम टाइम मैं LED को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी मैं LED का प्रोग्राम ऑफ कर लिया इसीलिए काम नहीं करेगा, LED ऑन ऑफ नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे LED को ऑन ऑफ कर रहे थे, तो सारा का सारा वीडियो लाइक सारा का सारा प्रोग्राम मर्ज करने के बाद आप लोग होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ये है बेसिक हम लोग कैसे एक सेंसर को इंटीग्रेट करते हैं ब्लिंक सर्वर में। आप लोग चाहोगे तो कोई भी सेंसर का यूज कर सकते हो, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, गैस सेंसर, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप कर सकते, लाइक कमेंट कर सकते हो, मैं बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जो भी डाउट है मैं ट्राई मतलब सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था, हाउ वी कैन इंटरफेस सर्वो मोटर टू नोड एमसीयू एंड कंट्रोल थ्रू ब्लिंक, तो वो डाउट को लेके आज हम लोग का वीडियो रहेगा, मतलब उसको कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो चलते हैं हमारा डिस्प्ले पे और वहां पे आर्डिनो प्रोग्राम ओपन करते हैं। अगर आप ब्लिंक का प्रोग्राम नहीं देखे हो जाके पहले देख लो, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्लिंक एलईडी ओपन कर लूंगा, ये वाला प्रोग्राम हम लोग पहले से कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हो जाके देख लो, और ये प्रोग्राम का लिंक भी गिटहब में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सेम रहेगा, सॉरी यहाँ से ये पूरा का पूरा हेडर फाइल है, तो इसको लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन ये डीएसटी का है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये ऑथेंटिकेशन की चाहिए, ठीक है। देन टाइमर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, टाइमर भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ। देन वर्ड सेटअप के अंदर यहाँ से यहाँ तक ठीक है, देन ये टाइमर को नहीं चाहिए अभी, ठीक है, और ब्लिंक रॉन ये टाइमर को भी कमेंट कर देता हूँ सर। और ये वाला प्रोग्राम शायद आपको याद होगा जिसमें हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ करते थे, सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा कौन सा वर्चुअल पिन है, और यहाँ पे रहेगा यहाँ पे जो इंटीजर हमको मिला है इसको हम क्या करते हैं पोजीशन लिख लेते हैं, मतलब सर्वो का पोजीशन, ये नहीं चाहिए, इसको काट देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे डॉट प्रिंट ln पोजीशन, ठीक है। अगर मैं वैल्यू सेंड करूँगा देन यहाँ पे पोजीशन में प्रिंट करेगा, ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ, सेव कर देता हूँ सर्वो ब्लिंक, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ऑथेंटिकेशन और एपीआई की वगैरह दे सेट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक टेम्पलेट आईडी ऑथेंटिकेशन टोकन डिवाइस नेम, देन यहाँ पे हेडर फाइल चला गया वाईफाई और ब्लिंक के लिए, देन यहाँ पे हॉटस्पॉट का यूजर आईडी और पासवर्ड, देन यहाँ पे ब्लिंक को इनिशियलाइज किए और ब्लिंक डॉट रन किए और एक फंक्शन क्रिएट किए ब्लिंक वर्चुअल लाइट v1 में, ये v1 v2 चेंज कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर जो डिवाइस में जो सेटअप किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो उसके अंदर क्या किया, पारामास इंटीजर एक फंक्शन को रीड किया v1 का और वो पोजिशन में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है ये, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हो जाके पहले देख लो सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्लिंक, ब्लिंक क्लाउड डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे आना है मुझे, कहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट, टेम्पलेट पे यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप लोग हम लोग शो कर रहे थे, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिवाइसेस हो गया, तो भी क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे और एडिट, तो पहले क्या करेंगे ये दोनों को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्लाइडर रखूंगा और स्लाइडर को ऐसे ऐसे करूंगा तो मतलब सर्वो मेरा रोटेट होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से स्लाइडर ले आता हूँ
और स्लाइडर के वैल्यू भी सेट कर देता हूँ, V1 सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से 100 तक जा रहा है, राइट, सेव कर लिया। अभी मैं जाऊंगा कहाँ पे, मेरा डेटा स्ट्रीम में यहाँ पे है, इसको एडिट कर लूंगा। मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 180, क्योंकि मेरा सर्वो जो है 0 से 180 डिग्री रोटेट करेगा, तो देन यहाँ पे मैं सेट कर दिया 0 से 180, ठीक है। अभी सारा का सारा सेट हो गया, डैशबोर्ड में एक स्लाइडर आ गया, ठीक है। देन सेव एंड अप्लाई कर लिया। मोबाइल डैशबोर्ड अभी तक कुछ सेट नहीं किया हूँ। देन यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइसेस, डिवाइस का नाम क्या था, DHT ये वाला, देन डिवाइस इनफो, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ये जो था इसको चेंज कर दिया। ये अगर प्रोग्राम नहीं देखे हो जाके देख लो, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेट हो गया ब्लिंक का, और ये हेडर फाइल चला गया, ये ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अभी लेट्स गो टू टूल्स, टूल्स में डिवाइस कनेक्टेड है, अभी अपलोड करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। ठीक है, नाउ इट्स अपलोडिंग। तो ये है सीरियल मॉनिटर, बॉड रेट, हाँ अभी डिवाइस कनेक्टेड हो गया, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जाएंगे डैशबोर्ड, ट्वेंटी डे आ रहा है, तो जितना मैं सेट करूँगा यहाँ पे उतना वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, डैशबोर्ड हिट, ठीक है। सेव पे जाने के बाद डिवाइस, देन 54 62, ठीक है। तो अप टू कहाँ तक जाएगा, 175 180 तक जाया, देन यहाँ से 0 तक गया, ठीक है। ये था बेसिक, हम लोग कैसे डिजिटल वर्चुअल रीड करके उसको डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सर्वो मोटर को प्रोग्राम करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू आया वो वैल्यू को हम सर्वो मोटर को फेड करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वो का हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड सर्वो डॉट एच, ठीक है। देन उसके बाद मुझे सर्वो को स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वो सर्वो अगर आप सर्वो का लाइक
प्रोग्राम आपको पता नहीं कैसे हम लोग सर्वो का प्रोग्राम करते हैं। आप जाके आर्डिनो का जो सीरीज था वहाँ पे मैं सर्वो का प्रोग्राम लिखा था, वहाँ से जाके सीख सकते हो हाउ वी कैन कंट्रोल सर्वो यूजिंग आर्डिनो। ठीक है, अभी सर्वो हो गया, अभी क्या करूँगा, सर्वो को बिगिन कर लूँगा। ठीक है, सर्वो डॉट अटैच पिन नंबर, तो मैं सपोज D4 में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो D4 पिन नंबर कितना है जाके देख लेते हैं। पिन मोड और नोड MCU, तो D4 क्या है, GPIO 2, तो यहाँ पे पिन नंबर 2 में अटैच कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पे पोजीशन सेट किया हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ सर्वो डॉट राइट, मतलब सर्वो को डाटा देने के लिए हम लोग राइट लिखते हैं, तो सर्वो डॉट राइट, देन इसके अंदर क्या लिख दूंगा, पोजीशन कौन सा पोजीशन पे राइट करेगा सेट कर लिया। तो ये पिन नंबर 2 में अटैच हुआ, ये पोजीशन सेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सर्वो का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और यहाँ पे सर्वो का हेडर फाइल इंक्लूड किया। ठीक है, कंपाइल कर देता हूँ। इन मेन टाइम हम चलते हैं कैमरा पे और इंटरफेस करेंगे। ठीक है, थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है मेरा सर्वो मोटर, 9 MG का सर्वो मोटर है। ठीक है, उसका 3 पिन है, यहाँ पे देख सकते हो, ब्राउन, रेड और येलो। तो ब्राउन जो है वो ग्राउंड है, रेड पॉजिटिव और येलो डेटा पिन। आप जाके पिन का कनेक्शन भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं नॉर्मल कनेक्शन करूँगा। देखो, तो ये वाला पिन मेरा ग्राउंड है, मिडिल वन इज 5 वोल्ट और ये डेटा। तो मैं सेम अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। तो ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया, इसको 5 वोल्ट में और ये लेके D4 में। ठीक है, अभी इसको ऐसे रख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड होने के बाद हम लोग ब्राउजर में जाके उसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, अभी आप देख रहे हो जो प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, सर्वो मोटर घूम रहा है, बिकॉज जो प्रोग्राम अपलोड होता है यहाँ पे देखो, एक LED ऑन ऑफ होता है, ब्लिंक होता है, दैट मीन्स वो LED जो है D4 को कनेक्टेड है, तो D4 ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है जो प्रोग्राम होता है, इसीलिए सर्वो रोटेट होता था। ठीक है, अभी देखो 6, ठीक है, तो बेसिक है हाउ वी कैन कंट्रोल सर्वो मोटर थ्रू ब्लिंक एप्लीकेशन यूजिंग नोड एमसीयू। तो एक्चुअली ये जो सर्वो मोटर है वो 360 डिग्री सर्वो मोटर है, तो मैं अगर चाहूंगा देन 0 से 360 डिग्री भी रोटेट कर सकता हूँ
यहाँ पे जाके यहाँ पे डिवाइस में वेब डैशबोर्ड देन सॉरी डेटा स्ट्रीम, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे वैल्यू 360 डिग्री में सेट कर दूंगा अभी, सेवन अप्लाई डिवाइस नोड एमसीयू अभी 260, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये था बेसिक हाउ यू कैन इंटरफेस एंड कंट्रोल। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा देन आप उसको लेके बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं आया देन आप कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ दूसरा डाउट है वो भी कमेंट में आप बताओ, मैं भी उसको लेके प्रोग्राम करूँगा और ये वीडियो जैसे सेम उसका भी सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।